हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड नेचर विथ स्टडी में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज पाठ योजना क्रमांक 13, लेसन प्लान 13। इससे पहले हमने टोटल 12 लेसन प्लान देख लिए हैं, कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे लेसन प्लान 13। टोटल 20 लेसन प्लान रहेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो जो 12 लेसन प्लान है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ योजना क्रमांक 13 जो कि रसायन विज्ञान का है, केमिस्ट्री का, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, परिचयात्मक जानकारी। परिचयात्मक जानकारी में पहला पॉइंट है छात्र अध्यापिका का नाम। अगर आप मेल पर्सन है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, छात्र अध्यापक का नाम, और आप महिलाएं हैं तो क्या लिखेंगी, छात्र अध्यापिका का नाम, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। कक्षा, ये जो हमने टॉपिक लिया है किस क्लास का है, तो 8वीं का है। विषय विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है। 8वीं में जो विज्ञान है उसके अंदर से हमने रसायन विज्ञान लिया है। दिनांक, जिस दिनांक को आप करेंगे वो यहाँ पर डेट डाल देंगे। समय, ये जो लेसन प्लान होता है ये 35 से 40 मिनट का होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कलांश फर्स्ट। और प्रकरण, पदार्थों का पृथक्करण, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में अन्वेषण तथा सृजनात्मकता का विकास करना। थर्ड पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और फोर्थ है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, 3 उद्देश्य होते हैं, जो कि पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें छात्र पदार्थों के पृथक्करण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, इसमें छात्र पदार्थों के पृथक्करण की व्याख्या कर सकेंगे। फिर थर्ड सी है प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र पदार्थों के पृथक्करण की विधियों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हम लोग प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि तथा प्रदर्शन विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। फिफ्थ नंबर है पॉइंट सहायक सामग्री। हमें ये जो पाठ योजना है इसको करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो चित्र, चार्ट पेपर, श्याम पर, चौक, डस्टर आदि, गेहूं, चावल, कंकड़, जल तथा चीनी। देखिए, जो श्याम पट, चौक और डस्टर, ये जो है ये तो आपको हर लेसन प्लान में चाहिए ही चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। बट इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ये सब चीज़ें हैं, ये आप क्या टॉपिक आपका रहेगा, कौन सा टॉपिक रहेगा, उसमें क्या क्या आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लगेगा। बाकी श्याम पट, चौक, डस्टर या ये तो आपको हर लेसन प्लान में चाहिए, ठीक है। पूर्व ज्ञान, तो छात्र पदार्थों के पृथक्करण की विधियों को सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। फिर प्रस्तावना, प्रस्तावना में आप लोगों को 3 कॉलम बनाना है, क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें आप लोगों को 3 कॉलम बनाना है। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो यहाँ पर लिखेंगे छात्र अध्यापक, ठीक है। अब हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि रोटियाँ किस चीज़ की बनती है, तो गेहूँ की। फिर दूसरा है गेहूँ को पीसने से पहले क्या किया जाता है, तो उनका उत्तर होगा फटकना पड़ता है। फिर फटकने पर क्या होता है, तो कंकड़ पत्थर निकल जाते हैं, ठीक है। फिर कंकड़ पत्थर का बाहर निकलना विज्ञान की भाषा में क्या कहलाता है, तो ये समस्यात्मक है, ठीक है। यहाँ पर छात्र जो है उनके लिए ये प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा, मतलब छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएगा। तो ये जो प्रस्तावना होता है ना, इसी में हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, और तब तक क्वेश्चन करते हैं जब तक छात्र निरुत्तर ना हो जाए। जब छात्र निरुत्तर हो जाता है तो वहाँ पर हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, आज हम पदार्थों के पृथक्करण की विधियों का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन में हम बताते हैं बच्चों को कि आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये हमारा उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण आपको 4 से 5 पेज में तो बनाना ही बनाना है। बहुत से ऐसे टॉपिक रहते हैं जिसमें आपको इतने पेज का तो नहीं मिल पाता है, 3 पेज तक हो जाता है, लेकिन कोशिश हमेशा ये करिएगा कि आपको 4 से 5 पेज का मिल जाए, ठीक है। और मैंने जितने भी लेसन प्लान बनाए हैं उसमें आप लोगों को 4 से 5 पेज का ही बनाया है।
प्रस्तुतिकरण में आप लोगों को 5 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट में क्रमांक आ जाएगा, ये साइड में आप लोग क्रमांक डालिएगा। फिर शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। जो श्यामपट्ट कार्य रहेगा वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कलरफुल पेन से, या फिर स्टिक जो पेपर्स आते हैं उसको स्टिक कर सकते हैं उस पर डायग्राम बना के लिख के, ठीक है। तो चलिए छात्र अध्यापिका क्रिया, सबसे पहले हम प्रश्न करेंगे, खाना खाते समय दाल में हम कंकड़ मिलने पर क्या करते हैं, तो छात्र क्रिया निकाल कर फेंक देते हैं, ठीक है। फिर प्रश्न करेंगे निकाल कर फेंक देने को हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो छात्र है वो निरुत्तर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब ये क्रमांक में फर्स्ट पॉइंट है पृथक्करण। विभिन्न पदार्थों के मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। जैसे चना और मटर के मिश्रण में से चना और मटर को अलग अलग करना, ठीक है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ पर देखिए श्यामपट्ट कार्य में एक मैंने शीट लिया है कलरफुल, उस पर डायग्राम बनाया है, जैसे कि चना तथा मटर के दाने का मिश्रण, ये मिश्रण है, इसमें से हमने चने को के दाने को अलग कर दिया है और मटर के दाने को अलग, इस प्रकार से हमने बच्चे को समझाया है, ठीक है, बोर्ड पर बना के। फिर मिश्रण में घटक अवयव किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, घटकों के गुण मिश्रण में विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक घटक को पृथक किया जा सकता है, जैसे नमक तथा रेत का मिश्रण। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ठीक है। फिर हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न, दो या दो से अधिक मिश्रित पदार्थों को अलग करने को कहते हैं या पृथक्करण। प्रश्न, मिश्रण में पदार्थों का अनुपात होता है, बच्चों का उत्तर है अनिश्चित। फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे हम छात्रों से। प्रश्न, हम नमक व पानी के मिश्रण को कैसे अलग करते हैं, तो छात्र क्रिया होगा धूप में रखकर। फिर प्रश्न, दाल व कंकड़ को कैसे अलग करेंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा ओसाकर। फिर प्रश्न करेंगे, ओसाना व धूप में रखने के अलावा पृथक्करण की कितनी विधियाँ हैं, तो यहाँ पर छात्र जो हो जाएगा वो निरुत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब छात्र निरुत्तर हो गया तो हम स्पष्टीकरण करेंगे। सेकेंड पॉइंट है पृथक्करण की विधि। ठोस पदार्थों को ठोस से, ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने तथा घुलनशील ठोसों को द्रव से पृथक करने की निम्नलिखित विधियां हैं। इधर विधियां हैं, अभी हम लोग देखेंगे, पहले इधर देख लीजिए। छात्र क्रिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ पर नमक तथा चीनी का मिश्रण, यहाँ पर हमने नमक और चीनी को मिक्स कर दिया है, जिसमें से चीनी के दाने अलग और नमक के दाने अलग हो गए, ठीक है। इस प्रकार से ये श्यामपट्ट कार्य हो गया। अब यहाँ पर आइए हम लोग विधि देखेंगे। फर्स्ट है ए, ए में फर्स्ट है फटकना, ओसाना, फटक कर, ठीक है। फिर बिनना, चावल से कंकड़ बिनकर। फिर चालना, छानकर छलने से। थ्रेसिंग, मशीन द्वारा पृथक्करण। ऊर्ध्वपातन, ठोस को सीधे गैस में बदलकर। फिर बी पॉइंट है तल छटीकरण, बालू का पृथक्करण। फिर छानना, छानकर पृथक्करण। तीसरा अपकेंद्रण, दूध में मलाई निकालना दूध से, ठीक है। फिर सी पॉइंट है वाष्पन, नमक जल से जल वाष्पित करके। दूसरा है आसवन, नमक जल से जल का आसवन। फिर क्रिस्टलीकरण, द्रव से द्रव ठोस बनाकर, ठीक है। फिर है दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करके। अब छात्र क्रिया में हम लोग लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और श्यामपट्ट कार्य में ये हमने ऊर्ध्वपातन की क्रिया जो है वो एक डायग्राम द्वारा बच्चों को समझाया है। ये सूर्य बना दिया है, कपूर रख दिया है, प्रकाश की किरणें सीधे कपूर पर जा रही हैं, कपूर सीधे गैस में बदल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। हम छात्रों से पुनरावृत्ति प्रश्न तुरंत करेंगे क्लास में। तो पहला है पृथक्करण से आप क्या समझते हैं, फिर दूसरा है अपकेंद्रण का उदाहरण दीजिए। फिर गृह कार्य में पहला है आसवन विधि को पढ़कर आइए, और दूसरा है बालू को जल से कैसे अलग करेंगे, ठीक है। फिर श्यामपट्ट सार, जो श्यामपट्ट सार है ये आपको पूरा जो लेसन प्लान कंप्लीट होगा ना उसके लास्ट में यहाँ पर आपको स्टिक करना है, और ब्लैक कलर की शीट पे लिखना है,
तो श्यामपट्ट सार में जो भी हमने इस पाठ योजना में की है उसको एक छोटे सारांश के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तो आपका छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम आ जाएगा, कक्षा, विषय, प्रकरण, समय, कालांश, ठीक है। फिर हमने इसमें क्या क्या किया है तो उसको एक शॉर्ट वे में यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि पृथक्करण, चने एवं मटर के दाने, ये चने का चने और मटर के दाने मिक्स हैं, ये मटर का अलग है, चने का अलग कर दिया, ठीक है। पृथक्करण की विधि क्या क्या है, फटकना, तलछटीकरण, वाष्पन, इस प्रकार से हमने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो पाठ योजना क्रमांक 13 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए, अपना लेसन प्लान बनाइए, और अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों को कुछ और अदर क्लास पे आप कोई टॉपिक, किसी टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए, किसी और टॉपिक, सब्जेक्ट, जो भी आपका हो जिस पे आप लेसन प्लान चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, और इसकी PDF भी वहाँ पर अवेलेबल है। और इससे पहले हमने जो 12 लेसन प्लान किए हैं कंप्लीट, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। टोटल 20 लेसन प्लान रहेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।